हाय स्टूडेंट, हाय स्टूडेंट्स, आज हम लिमिट के इस सेकंड लेक्चर के साथ शुरू करेंगे। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहला जो फार्मूला बनता है वो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए रेज टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और ये डायरेक्टली हमारे पास फार्मूला बनता है लॉग ऑफ ए। और इसके ऊपर हमारे पास 12th CBSE में जब हम कॉन्टिन्यूटी शुरू करते हैं तो हमारे पास लिमिट्स के कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो लिमिट के अंदर ये हमारे पास NDA 2014 में प्रॉब्लम आया था कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फाइव रेज टू पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। और अगर मैं इसको डायरेक्टली कंपेयर करूं तो यहाँ पे ए रेज टू पावर एक्स और यहाँ पे क्या फाइव रेज टू पावर एक्स, तो हमारे पास डायरेक्टली फार्मूला बनता है और उसकी वैल्यू बन जाएगी लॉग ऑफ फाइव। अगर किसी बच्चे को बेस को लेके अगर कोई भी चिंता है और अगर वहाँ प्रॉब्लम में कोई भी बेस आपको नहीं दिया गया हो तो आप कभी किसी भी टाइम बेस को भी ले सकते हैं। सेकेंड हमारे पास प्रॉब्लम है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रेज टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और इसकी वैल्यू सीधी क्या बनती है वन। लेकिन बहुत बार बच्चे गलती क्या करके आते हैं कि एग्जाम में हमारे पास ये आता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई रेज टू पावर टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स है, तो यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है वही फंक्शन हमें यहाँ बनाना होता है। यहाँ पे जैसे हमारे पास एक्स है तो यहाँ भी हमारे पास एक्स रहना चाहिए, यहाँ पे अगर हमारे पास टू एक्स है तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए टू एक्स, यहाँ पे टू एक्स कब बनेगा जब हम टू से मल्टीप्लाई करें और टू से डिवाइड करें। तो अब इस पूरे की वैल्यू कितनी बन गई वन, ये बन गया टू इंटू वन इक्वल टू टू। सिमिलरली हमारे पास आगे जाके एक लॉग के ऊपर भी हमारे पास फॉर्मूला बनता है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग ऑफ बेस ए वन प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स। जो फंक्शन यहाँ हो अगर वही फंक्शन यहाँ पे बन जाए तो ये फॉर्मूला बन जाता है लॉग ऑफ ई बेस ऑफ ए। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास फंक्शन एक्स है और यहाँ भी क्या फंक्शन है एक्स, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई लॉग ऑफ, और बेस यहाँ ए है, यहाँ बेस कितना पांच, तो पांच ई। समटाइम्स ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जा सकता है कि लॉग ऑफ सॉरी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग ऑफ वन प्लस एक्स बाई एक्स, और मैंने आपको अभी अभी बताया है कि जिसमें अगर बेस नहीं दिया हुआ होता तो हम बेस हमेशा ई लेते हैं, तो इसमें अगर उस बेस नहीं दे रखा तो हम बेस ई ले लेंगे और ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा लॉग ऑफ ई, और बेस ही पहले से क्या क्या होता है ई, और अगर ये दोनों सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या क्या होती है वन। ठीक है, तो ये सारा हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड टाइप के जो प्रॉब्लम थे उनके सॉल्यूशन थे। अब क्या है कि कई बार हमारे पास एग्जाम में बहुत ही लो लेवल की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे कि हम बहुत बार डिस्कस करते हैं, और CBSE बेस्ड जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम लो लेवल्स की आती हैं। सबसे पहले टाइप की जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वेयर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू। इस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू लेते हैं तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर टू पुट किया तो ये बन गया दो स्क्वेयर माइनस चार दो माइनस दो, ये फोर माइनस फोर टू माइनस टू, ये बन गया जीरो बाई जीरो फॉर्म। अब हम जीरो बाई जीरो फॉर्म को इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म को हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला जो हमारे पास मेथड होता है वो होता है फैक्टराइजेशन मेथड। हम ये ट्राई करते हैं कि हम जिन वैल्यू के कारण ये वाली वैल्यू जीरो बन रही है हम उनको फैक्टर से निकाल दें। तो हमारे पास बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू टू, हम इसको लिख पाएंगे एक्स माइनस टू और एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस टू, इसको फैक्टराइज करके डिवाइड बाई इसको लिख पाएंगे एक्स माइनस टू, इससे ये क्या हो गया कैंसिल। अब जिन इन फैक्टर ने इसको जीरो बना रखा था वो आपस में क्या हो गए कैंसिल, अब उसी एक्स की वैल्यू टू पुट कर सकते हैं तो ये बन जाएगा टू प्लस टू इक्वल टू फोर। तो अब तो हमारे पास सीधा डायरेक्टली फैक्टर बेस्ड पे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारा टाइम हमारे पास ये आता है कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी को हम कैसे सोल्व करें। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है बेटा टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस नाइन डिवाइड बाई थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वेयर प्लस एट, तो इसका एक सीधा शॉर्टकट है अगर दोनों की डिग्री सेम है। अगर हमारे पास दोनों की डिग्री सेम है इसका मतलब क्या होगा कि हम डायरेक्टली इसकी रेशियो से ही आंसर लिख सकते हैं। ये इसका शॉर्टकट है कि अगर हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है ऊपर वाले पॉलिनोमियल की और नीचे वाले पॉलिनोमियल की दोनों की डिग्री सेम है
तो जो हमारा आंसर होगा आएगा वो हमारा हाईएस्ट डिग्री का रेशियो आएगा, और इनकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, इसकी भी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो इनके जो आगे वाले कोफिशिएंट है वो है 2/3, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ये तो हमारे पास केस वन, लेकिन अगर आपके पास दूसरा केस बनता है कि अगर इसकी डिग्री ज़्यादा हो, अगर हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो, की डिग्री ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया 2x³ + 3x² + 5 / 3x² + 5x + 6, और लिमिट है हमारे पास x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो तो इसका आंसर बनेगा इन्फिनिटी, और अगर हमारे पास डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो तो इसका आंसर बनेगा जीरो। फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर यही प्रॉब्लम है ऐसे लिख दूँ 2x² + 3x + 5 / x³ + 5x + 6, तो इसके अंदर हमारे पास डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा होगी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी के अंदर पॉलिनोमियल के अंदर तीन केस बन सकते हैं। अगर दोनों की डिग्री सेम है तो इनके जो हाईएस्ट जो पावर है उनका, उनके जो आगे कोफिशियंट है उनका रेशियो हम लिख देंगे। अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, और अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी जीरो होगी। तो हम पॉलिनोमियल बेस्ड सारे सारे प्रॉब्लम सोल्व कर पाएंगे। इसी के साथ जो है चार प्रॉब्लम हम ऐसे सोल्व कर पा रहे हैं जो हमारे पास आते जा रहे हैं। एक मैंने आपको अभी एक प्रॉब्लम दिया था कि जिसके अंदर वन लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, वन माइनस cos ऑफ x / x स्क्वायर। डायरेक्टली अगर हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो क्या आएगी, सीधी वैल्यू पुट की तो 1 - cos of 0 1/0, ये अगेन 0/0 फॉर्म। तो इसके अंदर हम अपने पास एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, उसके तहत क्या होता है कि अगर अपने पास 0/0 फॉर्म बनती हो या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म बनती हो तो हम ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव करते हैं और नीचे वाले का अलग से डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आ गई लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर हमने ऊपर वाले का अलग से डेरिवेटिव किया तो 1 का डेरिवेटिव 0 और इसका cos का माइनस साइन माइनस माइनस प्लस साइन x डिवाइड बाई x² का डेरिवेटिव 2x, और आपको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x / x कितना होता है 1, तो ये क्या बन गया 1/2। थैंक यू।